मोगा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने दशहरा पर्व का आयोजन 24 अक्टूबर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दशहरा कमेटी द्वारा इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस अधिकारी जसवीर सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान मेयर बलजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मोगा में इस वर्ष करीब 60 फीट ऊंचे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैयार रखा गया है। दूसरी ओर यातायात को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कड़े प्रबंध किए गए हैं। दशहरे त्यौहार नूं मद्दे रखदे हुए बहुत वधिया पुलिस वल्लों सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए आ। नाकियां नाकेबंदी करके शक्की वहीकलों की चैकिंग की जा रही है। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन चैकिंग की रही है। जिहड़े थावां ते दशहरा मनाया जा रहा खास करके उन्हां थावां ते सुरक्षा वधाई गई आ अते शहर दे विच ट्रैफिक दे पूरे प्रबंध किए गए। माणयोग MLA साहब ते जिन्ने भी साडे पुलिस अधिकारी आ, क्योंकि साडा सारयां दा ही फर्ज बनदा सीगा, क्योंकि जिन्ने भी मोगे शहर दे जिथे भी वख-वख जगह के उत्ते जल को नगर निगम के भी कह लो या बाहरली दिशा ग्राउंड आ जा होर भी जिथे भी यह समागम मतलब के मुली प्रोग्राम लीकया गया वा, क्योंकि प्रशासन वाल भी साढ़े पूरे नुक्त प्रबंध पूरे है। तो जिथे कि गल करिए असी नगर निगम की, नगर निगम दियां जिन्नियां भी फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां इस बार जिहड़ा त्यौहार है बहुत ही अच्छे ढंग मनाया जा रहा है। बुत भी अगे नालों बहुत वड्डे बनाए असी 60 फुट 55 फुट 50 फुट के रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के बुत बनाए गए हैं। लंका बहुत अच्छी बनाई गई है। वाटिका जड़ी है सीता जी दी वो बहुत अच्छी बनाई गई है। बाकी एक 11 फुट दे हनुमान जी असी ये शो करांगे जेडे कि देखन योग होणगे।